नहीं करी थी खुल गए बाल भाभी मेरे गुद करने मंजीत भाई कह रहे हैं इसमें कोई प्रोडक्ट देखो जिसमें दाढ़ी वाले बेबी के लिए हो कुछ और यही बंद करवाना ट्रैफिक पुलिस को दिखा देना ये हमें बिना लाइसेंस के स्कूटी बाइक देते हैं इनका लाइसेंस बंद कराओ भाइयों सारी छोड़ो मौसम चेक करो तो मजा आ जाएगा भाई ऐसे रोड पे इस भाई को शेर की मांग हो रही है कह रहा शेर और दिख जाए शेर चीता और दिख जाए तो मजा आ जाएगा ट्रिप पूरी हो जाएगी तो गाइस आज का व्लॉग हमारा होने वाला है वापस चले पहाड़ा में तो गाइस हम जा रहे हैं आज ऋषिकेश एकदम ऐसे ही अचानक से प्लान बन गया हमारा मेरे साथ है लालू भाई हम ही दो जा रहे हैं वैसे तो कपल से हम देख लेंगे ये देखो अभी से प्यार बढ़ रहा है तो गाइस जल्दी जल्दी में थे इसीलिए कुछ पहले दिखाया नहीं और एकदम प्लान बनाया उसकी वजह से लेट हो गए हैं और बस हमारा वेट करिए तो हम जा रहे हैं स्पेशल व्लॉग बनाने चलो प्लीज भाई मेरे बालों पे मत जाना कि मैंने क्यों कटवाए हैं कहाँ पे है बाल मैंने इसलिए कटवा दिए थे भाई क्योंकि पहले सेटिंग नहीं बन रही थी फिर उसके बाद थोड़ा इशू हुआ फिर मेरी मम्मी कह रही थी छोटे करवा ले फिर मैं छोटे करवाने गया तो बंदे ने ज़्यादा ही छोटे कर दिए तो थोड़ा लुक चेंज हो गया हमारा और एक कपल हमें और मिल गया कन्नू और वो अंकल पीछे वाले ये दोनों जा रहे बाबू कन्नू भाई और ये इन दोनों का डुओ अलग है हमारा डुओ इसका इंट्रो भाई हैं जो जिनके बारे में नहीं पता इनको वैसे सभी जानते हैं ये हैं आशीष पंजाबी किंग ऑफ मजनू टीला फाइनली बैठ चुके हैं बस में जोड़ी चेंज हो गई है ये हमारे आशीष बड़े भाई हैं नहीं नहीं आप बड़े नहीं यार मेरा ये जान और वो शहद की दुकान है शक्ल दिखा ब्रो शक्ल दिखाओ शक्ल वो नहीं दिखाएगा यो आशीष भाई कह रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति खेला जाएगा लालू भाई के साथ उसमें बच्चों का एडमिशन थोड़ी होता है बोले भाई दोनों बच्चों की भिड़ गई है उससे ज्यादा मैं पैर पिंच होगा अब के थोड़ा पैर पिंच होगा पैर पिंच होगा भाई बियर हॉस्पिटल गया हूँ होके भी आया पूरी से ऐसे नहीं बीमारी पे हाथ फोड़ के कॉम्प्लान तो पिला रहे थे घर वाले लेकिन भाई को भाई की थोड़ी हाइट का इशू है तो वो भाई कह रहे हैं कॉम्प्लान के लिए भाई है बुरा नहीं मानता कोई नहीं भाई ने चैलेंज कर दिया इन दोनों की जैसे ही पता लग गया होगा भिड़ गया होगा खेलेंगे अमिताभ खेलेंगे इनके साथ भाइयों टी शर्ट उतार दिया है क्योंकि इधर थोड़ा एसी कम चल रहा है और हमारे शरीर में गर्मी थोड़ी ज्यादा है इसीलिए चेक करो मस्त है मेरे भाई की बॉडी मेरे भाई को फॉलो दो अलग ही बैठे हैं इसके बारे में बोलना कुछ चाहोगे नौ पिता क्या नौ पिता है नौ पिता नौ पिता अबे नौ पिता होता है नौ पिता बोल रहा है ये डोरेमोन है तेरे को गैजेट दूंगा वहां ऋषिकेश में ये थोड़ा सा डार्क हो सकता है ये व्लॉग क्योंकि समझ रहे हो लड़कों का है तो गाली गलौज में हो सकती है उसके लिए पहली सॉरी घर में मत देखना तो भाइयों मैं तो सो रहा था मेरे को छोड़ के भाग गए ढाबे पे और ये देखो पूरी बस की बस मेरे को छोड़ के भाग गई खाली पड़ा तो सो रहा हूँ यो मैं भी उठ गया था और भाइयों के साथ आ गया ढाबे पे मंजीत भाई ये वादी है देखो एक वादी ये रहा हमारे साथ एक पहाड़ ये रहा छोटा पहाड़ दिखा दे तो ये दोनों लाल टीम वाले है ना जो ये लाल और ये लाल ये यहाँ वेटरिंग करेंगे भाइयों खाना वाना आ चुका है खाना खाएंगे थोड़ा सा मूड रिफ्रेश करेंगे उसके बाद
दोबारे सोएंगे। नींद आए यार, एक गलती हो गई हमसे ना, वो सोने वाली नहीं हुई यार, जिसमें थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ जल्दी। ये है आवारा लड़के तीनों, मैं सोने वाला हूँ जल्दी, इसीलिए मेरे को दिक्कत हो रही है, नींद आ रही है। ये फ्रेश पड़े हैं बिल्कुल इसीलिए। तो गाइस चलो सोते हैं। तो हमारी बस ने हमें छोड़ दिया है और ये नहीं पता कहाँ, जो भी अननोन बंदे थे हमारी तरह उन सबको छोड़ दिया है। जैसे कि इसको नहीं पता था कि कहाँ पे वो कहाँ की करनी थी, ऋषिकेश बस अड्डे की करनी थी, ऋषिकेश रोड पर था ये भाई कोई यहाँ पे छोड़ दिया हमें। नेपाली चौक है क्या है ये, प्रिंस का चौक है। कोई नहीं गाइस, दुआ करो, बाकी असली व्लॉग होगा आप स्टार्ट, क्योंकि हमने कोई कुछ बुकिंग नहीं करी थी बस के अलावा। बस के अलावा और कोई बुकिंग नहीं करी थी। तो भाई असली व्लॉग होगा हमारा आप स्टार्ट, क्योंकि हमने कुछ भी बुक नहीं करा था। अब जो भी है हमारा वो देखना स्ट्रगल थोड़ा, कैसे कैसे बुक करते हैं हम लोग सिटी में, कैसे कैसे चार लड़के भटकेंगे। ओए सामने देख, मैंने अंकल को इतनी बार इसलिए दिखाया, कोई भी आए ऋषिकेश बस से तो अंकल जी मिलेंगे, अंकल की गाड़ी में आए, क्योंकि ये डिस्काउंट भी देते हैं और बहुत अच्छे नेचर से, समझे अंकल। यहाँ देखें जहाँ पे हमने बात कर रखी थी हमारे प्रिय मित्र कुणाल भाई से पूछा था, वो सोल्ड आउट आ रहा है वो वाला रिजॉर्ट जो था। अब हमें भटकना पड़ेगा और ज्यादा, तो बने रहो, सारी किल्लत इस भाई ने करवाई। चलो भाइयों, एक स्कैम और हो गया हमारे साथ, ये जो चार नौजवान ये जो लड़के फिर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां ले रहे हैं। मेरी तो दाढ़ी है नहीं, मेरा तो चलो चल जाएगा, कन्नू का भी थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, इनकी पूरी पूरी खत है दाढ़ी नहीं, पूरी खत आ रही है। एक के पास भी लाइसेंस नहीं है, वाओ। और हमें कहीं भी स्कूटी नहीं मिल रही है घूमने के लिए, हमें दिल्ली के, हम कर रहे हैं जुगाड़ बढ़िया करेंगे, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस है नहीं, प्लस हम पे होटल अभी बुक नहीं है, तो हम घूम रहे हैं यहाँ पे सड़कों पे। कौन सी जगह है भाई? तपोवन। ये भी नहीं पता कि हम यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ पे हमें जाना भी नहीं है, एक होटल वाले से बात करिए, रिजॉर्ट वाले से, तो वो कहीं और बुला रहा है। मोनचट्टी में हमारा है वो कैंप, वहाँ खा गए टट्टी। ठीक है भाई, मोन टट्टी होए टट्टी, इसे जाना कहीं था लेके यहाँ आ गया सिर्फ ऑटो वाले कहने से, हाँ हाँ वहाँ चल लो, वहाँ गाड़ी मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, लाइसेंस है नहीं, और सारा कुछ हुआ इसकी वजह से। ये सारे बेबी प्रोडक्ट्स हैं भाई के लिए, और मंजीत भाई कह रहे इसमें कोई प्रोडक्ट देखो जिसमें दाढ़ी वाले बेबी के लिए हो कुछ, निप्पल ले लो ये। फाइनली हमें स्कूटी मिल चुकी है बिना आधार कार्ड के, ओ सॉरी बिना लाइसेंस के, और आधार कार्ड भी हमारा वो रियल वाला नहीं है, फोटो वाला है, घूमे बन जा रहे, अकेला ही बन जा रहा है घूम रहा है। और गाइस हमें बिना लाइसेंस के स्कूटी दे दी है इन बंदों ने, इनका वो मैं नाम डाल दूंगा, इनका बंद करवाओ, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला देख रहा है तो प्लीज इनका लाइसेंस बंद करे, क्यों ये हमारे पीछे अभिषेक भाई बैठे हैं और इन्होंने हमें स्कूटी दी है, और हमारे वहाँ से जो भी आए भाई की दुकान पे आए, ये रहा इनका वो ट्रैवल्स, और यही बंद करवाना है, ट्रैफिक पुलिस को दिखा देना ये हमें बिना लाइसेंस के स्कूटी भाई के देते हैं, इनका लाइसेंस बंद कराओ, बंद करवा दो, स्टाफ वालों को दिखा दो प्लीज, ये भाई ना बिना उसके देते हैं, हाँ बता दिया मैंने सारा कुछ, इन्हीं का बंद करवाना है। भाई भैया ने बोला वीडियो बनाने के लिए, ये गाड़ियाँ दी हैं दो और ये हमें सही सलामत दी हैं, हमें तोड़ के वापस करनी है, भाई ने ये बोला। भाइयों फाइनली हमें मिल चुकी है स्कूटी, और पीछे वो आ रहा है बुद्धू,
और हम जा रहे हैं पहले पेट्रोल भरवाने, फिर उसके बाद ढूंढेंगे हमारे लिए रिजॉर्ट वहाँ पे। ये सारी छोड़ो, मौसम चेक करो तो मज़ा आ जाएगा भाई। तो लोग की रिपोर्ट मौसम हो रहा है, घूम रहे हैं अच्छे से रिजॉर्ट की तलाश में। बाकी घूमते हुए इतना मज़ा आ रहा है, कुछ नहीं क्या दिखा नीचे, कुछ है तो नहीं, अभी वो आए नहीं भाई, बंदे खो गए गाइस हमारे, आ गए हम आए। बाकी ढूंढते हैं लालू भाई लेके जा रहे हैं, कहाँ है बंदे नहीं आए अभी तक, ये तो कोई और थे। शेर और चीता आ गए गाइस। काफ़ी देर की राइड के बाद हमने एक रिजॉर्ट देखा था, वो थोड़ा हमें पसंद नहीं आया। देखे तो बहुत सारे, एक हमें थोड़ा सही लगा, मतलब मंजीत की जानकारी में था, तो वो भी अभी सही नहीं लगा, अभी भी तक भटक रहे हैं थोड़ा, तो बने रहो। बिना प्लान करे, बिना प्लान करे लास्ट टाइम पे ट्रिप बनाओगे तो भाई ऐसी होगा। पूल दिखा एक बार, जो तेरे को दिखाया मैंने। चल बे चल। अबे गाइस फाइनली हमारा फार्म हो चुका है, जैसे तैसे कर लिया हमने, जो हमने पसंद करा था यार वो वाला हमारा सोल्ड आउट पड़ा है, क्योंकि हमारे लास्ट टाइम पे प्लान्स बनते हैं जैसा कि आप सबको पता है। और बाकी ये भी ठीक है यार, यहाँ वॉलीबॉल खेलने का है, थोड़ा पूल है एक छोटा, और मेन चीज़ ये मेन चीज़ क्या है, हाँ मेन चीज़ ये है, हम ये जब मर्जी उतर के यहाँ फन कर लेंगे। ये गंदे बच्चे टॉप का रुकना, ये रहा, ये रहा। क्या ये रहा रास्ता, चुंडी खोल दी कन्नू ने। हम वो बच्चे हैं, वो मम्मी नहीं कहती यहाँ मत जाना यहाँ पानी है, तो हम जानबूझ के वहीं जाते हैं, ये वो वाले बच्चे हैं। ऊपर के ये ठंडा पानी चेक करो। फाइनली ये हमारा छोटा सा क्या है, ये कॉटेज बोलते हैं ना, हाँ। तो गाइस इसका हम टूर करवाते हैं आपको। ये हमारा शुरू होते ही ख़त्म वाला रूम, और ये एक डबल बेड, एक सिंगल बेड, दो ही है ऊपर है, और बाकी अंदर टॉयलेट है। बाकी ठीक है यार, इमरजेंसी में यही है, बाकी ओके मजा आ गया, ठीक है। बाकी और देखे, इस भाई ने दिखाया था एक बस्ता पैक, उससे सुंदर ना मेरे घर का टॉयलेट है, हकीकत बता रहा हूँ, उससे सुंदर है, इसने ऐसा वो दिखाया था। और उसके चक्कर में हमें 10-15 किलोमीटर आगे ले गए। उससे अच्छा हमारा रैन बसेरा होगा। इसको देख ले की गांड, तू गया था ये बता, क्या है तू हमारी की वीडियो बना रहा है। ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर दिखाते हैं आपको। ये वेटर लगा रखा है, खा लिया ये देखो, लेकिन इस भाई का खाना खत्म नहीं होगा, आदत लग गई है। ढोर है, ढोर ढोर बच्ची, कैसा नाम है, अबे वो चोर ढोर। तो भाई हमें कन्नू ने उठा दिया, पता नहीं क्या टाइम हो रहा है, सोने के लोगों ये कुछ सीन कर रहा है। देखो दिखाता हूँ, पहले इसकी बारी फिर उसकी बारी। तो भाई जी दोबारा सो गए मेरे को उठा के, अब इनके साथ कुछ ना कुछ होगा। तो भाई उठ चुके हैं और सबसे पहले जा रहे हैं लंच के लिए, और सबसे बड़ी बात और अच्छी बात यह है कि मौसम एकदम ओके ही मिल रहा है हमें, धूप वूप हो ही नहीं थी और फिर भी हम सो रहे हैं, तो देख लो कितना अपना लॉस कर रहे हैं हम ना घूम कर। तो करते हैं लंच वगैरह, फिर उसके बाद रेडी होंगे, फिर थोड़ा घूमेंगे क्या, कहीं नहीं जाएंगे, देखते हैं क्या करना है, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ। डिनर चल रहा है, लंच चल रहा है, उसके बाद हम दोबारे घर चलेंगे सोने। तो भाई रेडी हो चुके हैं, अब निकल रहे हैं कहीं, देखते हैं कहाँ जाएंगे, कुछ पता नहीं है, कुछ प्लान नहीं है।
मंजीत भाई ने कुर्ता पहना। आशीष भाई कह रहे कहा जा रहा है? अबे किसी के हवन पे जा रहे हैं भाई, फिल्म बना रहा बहुत गंदी भाई, मैं दिखा नहीं सकता व्लॉग में इनकी जो लड़ाई चल रही है ना अभी शुरू से एंड तक। तो गाइस जा रहे हैं कहीं ये नहीं पता कहाँ, पर है हम पहाड़ों में ही अभी तक, ये नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। मैं तो भाई एक ही सजेशन दूंगा, कभी भी ट्रिप पे आओ तो भाई बाहर प्लान करके आओ, बिना प्लान करे मत आओ, नहीं तो हमारी तरह पूरा दिन सोते रहोगे। अब शाम के 5 बज रहे हैं, अब हम उठे हैं, थोड़ा ऐसा नहीं है, हिम्मत आई है थोड़ी बहुत, और बाकी चल तो सही रहा है क्योंकि हम सही सो लिए, अब एनर्जी पर शाम होगी ये है, सुबह उठ जाते तो घूम लेते क्योंकि मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है सुबह से ही। और अब जा रहे हैं, पता नहीं एक वाटरफॉल पता लगा वहाँ पर जाएंगे, देखते हैं कि क्या सीन बनता है, कहाँ मूड बनता है, नहीं तो घूम के आ जाएंगे। बाय। तो गाइस हमारे साथ स्कैम होने वाला है, मतलब हो गया और बारिश स्टार्ट हो गई, अब कहीं इतनी पहाड़ों में बारिश में कहीं जाना सेफ तो होगा नहीं, प्लस उसकी जो आगे वाली स्कूटी है उसके टायर भी थोड़े वैसे हैं, तो देखते हैं वापसी होगा बारिश रुक गई। तो भाइयों भी कहीं साइड में रुके हैं और इसी बात पे गाड़ी वाला छींटे भी दे गया वाइट टी शर्ट पे, पूरा क्या कह सकते हैं, यहाँ से दिमाग खराब हो रहा। तो भाइयों इस सब का कारण ये है, इसको हमने 1:30 बजे बोला था कि चलते हैं, इस भाई ने मना कर दिया था कि मुझे नींद करनी है, ये करना है वो करना है, अब यहाँ पे बैठ के खाली मैगी खा रहे हैं अंकल के हाथ की। भाइयों बारिश फुल तेज होगी, फुल आवाज़ आप सुन सकते हो, और सारा कुछ इस भाई की वजह से, कोई बात नहीं चेक करो बारिश भाई बहुत तेज बारिश, पानी भी तेज होगा, और ये भाई इसकी स्कूटी के यहाँ टायर घिसे हुए, कल को इसे कुछ हो जाता है तो इसके घर वाले हमें कुछ ना कहें, हम अपना अलग है, और आशीष के घर वाले इसके घर चले जाएं और भुगतान भरवा लें। भाई बारिश है, तूफान उफान आया, डर लग रहा है गाइस अब। तो भाई और कन्नू भाई के हाथ की मैगी खाएंगे आज, देखते हैं वही जागरण वाली, ओ सॉरी वो कोई नहीं, डल्ले थे मिनरल वाटर। भाइयों जैसी वो बनाई थी ना, कब बनाई थी, गणपति में, गणपति बनाई है भाई, वही वाली मैगी लग रही है, पर मक्खन नहीं है इसमें, हमारे प्लेटर होने वाला बंदा ही होगा, ये प्लेटर होने वाला घी नहीं है, घी तो लगे। तो गाइस मिलते हैं हम भी कल यहाँ पे, आज नहीं जाएंगे, नहीं कल ही जाएंगे, कल मॉर्निंग देखते हैं, अभी तो जा रहे हैं घूमी घूमी करने, निकल के चले देखिए निकल गए। तो भाई कर दो भाई ने पूरे चीटे चीटे कर दिए इन दोनों को, बेचारों को मुंह पे चीटे चले गए, तो बारिश के टाइम पे गड्ढों से सावधान रहे, गंदी चीजें। तो गाइस इस भाई को ये नहीं पता बात अलग धुआं है, इसको कमेंट में बता दे कन्नू भाई को, ठंड है। चलो गाइस चढ़ाई कर रहे हैं, पर्ची कटवाने के बाद भी, इतनी दूर आने के बाद भी भगना पड़ रहा है, और प्यार दर्द सीढ़ियाँ और चढ़ रहे हैं, वो मोटा देखो सबसे आगे चल रहा है अभी, जान पड़ जाएगी। तो गाइस यहाँ आए हम, ये कौन सा है? नीर, नीर है ना, नीर वाटरफॉल, यही पास था इसीलिए यहीं आ गए, ज़्यादा दूर इसलिए नहीं गए क्योंकि सीन हो सकता था, बारिश का मौसम वैसी है और फिर रात भी हो जाती है, थोड़ा बहुत यहाँ देखते हैं इंजॉय करते हैं उसके बाद निकलते हैं। वो साफ चढ़ गया, इनका फोटोशूट चल रहा था, मैंने खराब कर दिया भाई का, और ऊपर चढ़ रहे हैं भाई, देखो चढ़ाई देखो, उनका सूट देखो, वो बच्चे हैं पता नहीं मीठे बच्चे हैं क्या है, फुल लटका लटका के हाथ, मीठे बच्चे, सारा कुछ भाई सेम ही है, नीचे भी ऐसा था ऊपर भी ऐसी है,
बस थक गए थे, मतलब सोच रहे हैं वापिस ही जाए, अंधेरा होने वाला है। तो भाई हमारे दोस्त हमें इतना मिस कर रहे हैं, वीडियो कॉल्स आ रही हैं बेचारों की, कोई बात नहीं। नहीं यार मिस नहीं कर रहे, ऐसी आज नहीं थी, वो मिस नहीं करेंगे, वो सोच रहे हैं गए बला गई, कन्नू भाई गया, हुक्का कम पिए, हुक्का उन्हें ज़्यादा पीने को मिलेगा, वो ये खुश हो रहे हैं। वो तो भाई फोटोशूट चल रहा है देखो, पंजाबी भाई का। गाइस वो देखो बेचारा कैसे बैठा पड़ा, जरा बच्चा थक के, इसकी बैटरी यहाँ डाउन होगी, पर हम हार नहीं मानेंगे और ऊपर चलेंगे। तो गाइस ये है जगह, ओके पूरी खाली है, यहाँ पे आराम से नहा भी सकते हैं, कन्नू भाई को नहाना है। गाइस इसमें देखो स्पाइडर मैन है, पूरा जाला बना रखा, बड़ा दिख नहीं रहा आधे टाइम यहाँ से दिलान है पूरी ट्रिक्स का यूज करें, सारी जानकारी आपको यूजफुल मिलेगी। ओके तो ये जानकारी मेरी तरफ से है, ब्रेक मत माने, सीधा सीधा जहाँ जा रही है ले जाए, आपको शॉर्टकट से भी उतार सकते, जहाँ आपको सीधा सीधा हैंडल भी मत मोड़ो, जहाँ आपको सीधा रास्ता मिल रहा है बस चला नहर में घुसा दो, नहर में कर लो, शॉर्टकट मिल सकता है आपको, बगल में बहुत सारे बिना ब्रेक के और सीधा वहाँ पे वादियों में पहुँच जाए। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं रिजॉर्ट हमारे वापस, खाना पीने का कुछ सामान वामान लेके, क्योंकि रात के टाइम हमें भूख लगे तो हम भूखे ना मरे, क्योंकि रात को हम बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी मम्मी ने बहुत मुश्किल से भेजा है हमें, सेफ आ जाए यही। तो आते आते हमें 9 बज गए हैं वहाँ से, और बहुत ख़तरनाक रास्ता अब स्टार्ट होने वाला है, ये लास्ट लाइट थी, ये लास्ट लाइट थी जो पुल पे हमें लाइटिंग मिली, अब इसके बाद पूरा धूप अंधेरा है, दिखाएंगे तुम्हें पूरा ख़तरनाक, हमें भी अब डर लग रहा है कि कैसे कर जाए, तो बने रहो हमारे साथ, चेक करो रास्ता दिखाएंगे। तो भाइयों ये देखो, ये यार पूरा डरावना रास्ता है, और अब 4 बजे पूरी फट रही है भाई, कोई गाड़ी वाड़ी कोई कुछ भी नहीं, बस हमें हम एक गाड़ी भी हमें दिख रही है ना तो बहुत खुशी हो रही है। तो गाइस रात के टाइम बाहर ना निकले, हर कोई हमारी तरह दिलेर नहीं है, वो अलग बात है, हमारी भी फट रही है बहुत ज़्यादा, पर रात के टाइम ना निकले, पूरा जंगल है भाई, ऐसे रोड पे इस भाई को शेर की मांग हो रही है, कह रहा शेर और दिख जाए, शेर चीता और दिख जाए तो मज़ा आ जाएगा, ट्रिप पूरी हो जाएगी, इसको ये नहीं पता अभी, हमें रास्ता भी नहीं पता हमारे रिजॉर्ट का, क्योंकि रात के टाइम एकदम अलग लग रहा है सब कुछ, बहुत धीरे धीरे सेफ ड्राइव करते हैं, अगर ब्रेक तो इतने ब्लॉक बंद करो, मिलते हैं आप सीधा भाई पहुंच के ठीक ठाक सही सलामत। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं सेफली हमारे रिजॉर्ट पे, और सबके कपड़े वपड़े चेंज हो रहे हैं, अब पीछे चल रहा है कन्नू भाई का, खाना खाओ खुश रहो मिशन, क्योंकि भाइयों ने डीजे नाइट वगैरह तो बंद हो गई थी, स्पेशली हमारे लिए कम आवाज़ में डीजे चलवाया है, और खाना भी हमारे लिए बचा के रखा, क्योंकि प्यार प्रेम बना रहे। और गाइस अब खाना वाना खाते हैं, और तो भाइयों सेकंड ब्लॉग नहीं आएगा, यहीं पर हम कर देंगे, क्योंकि मेरी हो रही है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, उस वजह से सुबह सुबह हमें निकलना पड़ रहा है 9 बजे, दवाई लेके आया हूँ, नारियल पानी पी रहा हूँ, मौसम की खराबी की वजह से थोड़े से तबीयत और ख़राब हो गई, तो दिमाग खराब हो रहा है, ट्रिप की ऐसी तैसी हो गई, सबकी हालत थोड़ी थोड़ी ख़राब है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है रात को, प्लस एसी में सो गए तो दिक्कत तो होगी। तो गाइस बाय, टेक केयर, ब्लॉग होता है यहीं पे आएंगे, बाय। तो गाइस फाइनली बस में बैठ चुके हैं, और हमारी तबीयत भी ठीक हो गई है, और हमारा ट्रिप भी एंड हो गया, थोड़ा सा ख़राब हो गया था मेरी तबीयत की वजह से, अब तो मन कर रहा था कि मैं ठीक हो गया कि वही दोबारा चले जाएँ, राफ्टिंग वाफ्टिंग करके ही आए, पर
फिर टिकट हो गई थी, फिर ये कह रहे थे अब क्या जाएंगे, चल चलो हमें घर पे भी जाना था वैसे। तो इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को एंड, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे।